हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक एलोवेरा जेल का। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मामार्थ। दिस इज फॉर स्किन एंड हेयर। दिस कंटेन प्योर एलोवेरा विद विटामिन ई। दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस प्रोडक्ट को मैंने खुद यूज किया है और आप देख सकते हो कि इससे हाफ से ज्यादा बॉटल जो है वो मैं यूज कर चुकी हूँ। मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। जो भी ये क्लेम करता है इसके बेनिफिट्स मुझे वैसे ही दिखे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी रिव्यू करती हूँ। अगर आप भी कोई अच्छा एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यह आपको 300 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी में मिल जाता है। बात करें इसके प्राइस की तो इसका एक्चुअल प्राइस है 299 rupees। मैंने ये ऑफिशियल मामार्थ की वेबसाइट से ही परचेज किया है। वहाँ पे बहुत सारी सेल चलती रहती हैं जिसमें आपको 20-25% डिस्काउंट इजीली मिल जाता है, या अगर आप बाय वन गेट वन सेल के दौरान परचेज करते हो तो आपको ये हाफ प्राइस में मिल जाता है। ये आपको मामार्थ के अलावा अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट इन सभी साइट्स पे भी मिल जाता है। मैं इसका परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर अभी तक आपने मामार्थ की वेबसाइट को डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको इंस्टेंट 150 rupees जो है वो कैशबैक मिल जाएगा। तो आप उसको जब भी आप अपनी फर्स्ट परचेज करेंगे उस टाइम आप उस कैशबैक को यूज कर सकते हैं। नाउ बात करें इस प्रोडक्ट की तो ये आपको प्लास्टिक बॉटल में मिल जाता है और साथ में आपको पंप पैकेजिंग मिल जाती है। ट्रेवल फ्रेंडली तो नहीं है क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है वो काफी बड़ी है। जो भी प्राइस पॉइंट आप पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी क्वांटिटी काफी मिल जाती है, 300 ml। बात करें इसके टेक्सचर की, सो यू कैन सी कि ये इसका जो टेक्सचर है वो ना ही बहुत ज्यादा थिक है और ना ही बहुत ज्यादा रनी है। ये इजिली जो है वो स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको यूज करने के बाद यू कैन सी कि काफी अच्छा सा नेचुरल ग्लो जो है वो स्किन पे आ जाता है। ये पैराबिन फ्री है, सिलिकन फ्री है और ऑल स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। आप इसको स्किन पे भी यूज कर सकते हैं और अपने हेयर में भी यूज कर सकते हैं। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं इस एलोवेरा जेल को कैसे अपने स्किन और हेयर पे यूज करती हूँ। इसकी जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच में आती है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो स्लाइटली एसिडिक प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसका जो कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि आपको प्लांट से मिलता है। सो इसमें कोई कलर भी ऐड नहीं है। ये इसमें खास बात है कि इसमें कोई कलर ऐड नहीं है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि एलोवेरा जेल कहीं ऐसे आते हैं जो ग्रीन कलर में होते हैं या स्लाइटली येलोइश कलर में होते हैं, तो उनमें जो है वो कलर ऐड किया गया होता है। लेकिन ये जो है आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिल जाता है, तो इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। मामार्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मोर ओवर इन्होंने जो है वो एक ट्री प्लांटेशन का इनिशिएटिव भी लिया है। जब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये आपके बिहाफ पे एक ट्री प्लांट कर देते हैं और आपको इसकी लोकेशन भी सेंड करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। जो भी इसके इंग्रीडियंट है या जो भी इसकी डायरेक्शन है वो सारी आपको इस पे मेंशन की हुई मिल जाएगी। एक बार बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट की, सो इसमें इंग्रेडिएंट वैसे तो सारे मेंशन है, मैं एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसमें एक्वा है, एक्वा स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है। जो भी हमारी स्किन की पीएच होती है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम पीसीए। सोडियम पीसीए जो है वो स्किन कंडीशनिंग का काम करता है। आप देखते होंगे कि जो भी अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी सोडियम पीसीए जो है वो होता ही है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलेंटोइन। एलेंटोइन जो है वो एक नॉन इरिटेटिंग एजेंट होता है। ये स्किन को सूद करने में हेल्प करता है। जो भी न्यू सेल्स होते हैं उनकी रीजनरेशन में ये हेल्प करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जैंथम। जैंथम जो है वो इसको जेल लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। यू कैन सी कि ये जो है वो जेल फॉर्म में आता है। साथ में इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारी स्किन केयर रूटीन में। विटामिन ई होने की वजह से आप इसको अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये हेयर के लिए भी काफी अच्छा है। इस पे 2-3 years की शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है क्योंकि इस पे प्रोडक्ट क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, तो 2-3 years शेल्फ लाइफ मिल जाती है, जिसकी वजह से आप इसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो।
मैं इसको पिछले 1.5-2 महीने से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको इतना यूज कर लिया है। मैं डेली इसको यूज करती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में, अपनी हेयर केयर रूटीन में। सो अब बात कर लेते हैं कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। इसका जो फर्स्ट एंड सबसे इजी यूज है वो है एज अ मॉइस्चराइजर। एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं इसको फेस वॉश करने के बाद जैसे ही अपने फेस पे टोनर यूज कर लेती हूँ तो मॉइस्चराइजर के बदले मैं इस एलोवेरा जेल को अप्लाई करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफी ज्यादा सूद हो जाती है, ना ही बहुत ज्यादा ऑयली लगती है और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई लगती है। जो सेकेंड यूज एलोवेरा का है वो मैं यूज करती हूँ एज अ हेयर सेटिंग जेल। बेबी हेयर्स होते हैं उनको सेट करने के लिए मैं इसको एक मेकअप ब्रश में ले लेती हूँ और अपने जो भी बेबी हेयर्स होते हैं उन पे अप्लाई कर लेती हूँ, जिसकी वजह से हेयर स्टाइल भी सेट हो जाता है और इसमें विटामिन ई है तो ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। मैं साइड में वीडियो अटैच कर दूंगी जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। जो थर्ड यूज है वो है मेकअप को रिमूव करने के लिए। अगर आप एलोवेरा जेल में 2-3 ड्रॉप्स जो है वो कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं और अपने फेस पे मसाज करते हैं तो जो भी आपने मेकअप अप्लाई किया होता है वो इजिली रिमूव हो जाता है, आपको कोई भी महंगी प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नेक्स्ट यूज है वो मैं एलोवेरा को एज अ बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि समर के टाइम अगर हम कोई भी थिक कंसिस्टेंसी का जो वैसलीन है या बॉडी लोशन है वो अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऑयली फील होता है। एलोवेरा जेल जो है वो काफी ज्यादा लाइट वेट होता है तो आप इसको एज अ बॉडी लोशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूज है वो है एज अ हेयर मास्क। अगर आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल, रोज वाटर ये सब अप्लाई करके अपने हेयर पे अप्लाई करते हो तो वो आपकी हेयर ग्रोथ को हेल्प करेगा, तो आप इसको एक हेयर ग्रोथ एजेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं। आफ्टर हेयर वॉश भी मैं इसको यूज करती हूँ। जो भी आपका रेगुलर हेयर सीरम होता है अगर आप उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके उसको क्रीम की फॉर्म में अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करते हो तो भी आपके हेयर जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, तो आप एलोवेरा जेल को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।